फूड सेफ्टी के सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं जो बिटवीन हैसप और फूड सेफ्टी है, क्योंकि फूड सेफ्टी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हैसप फूड प्रोसेसिंग एरिया में इम्प्लीमेंट हो रहा था, और अभी भी बहुत सारे लोग जो के न्यू कमर होते हैं वो फूड सेफ्टी के बजाय हैसप में इंफॉर्मेशन के लिए क्यूरियस होते हैं कि जी हैसप क्या है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हैसप जो है वो ख़त्म हो चुका है, हैसप की इम्प्लीमेंटेशन अब फूड प्रोसेसिंग एरिया में नहीं होती, उसकी जगह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ने ले लिया। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से पहले चूँकि हैसप था, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये चेंज हुआ। हैसप जो था वो हैसप वैसे कहते हैं हैजर्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो आपने हैजर्ड को एनालिसिस करना है और उसके बाद उसके लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट मेंटेन करने हैं, कुछ ऐसे पॉइंट इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे वो हैजर्ड कंट्रोल हो जाए। तो हैसप जो था वो सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड सिस्टम था, यानी जिस जगह पे फूड प्रोसेस हो रहा होता था वहाँ पर हैसप इम्प्लीमेंट होता था, जबकि फूड सेफ्टी का सिस्टम एक ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरे उस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी ये एक बड़ा सिस्टम है। हैसप इसका एक छोटा हिस्सा है, फूड सेफ्टी के अंदर भी हैसप की कुछ क्लासेस ऐड की गई हैं। मतलब हैसप जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया यानी कि प्रोडक्शन एरिया जहाँ पे वो फूड प्रोसेस हो रहा था, प्रोडक्शन हो रही होती थी, वहाँ पर हैसप इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिस्टम है, उसमें प्रोक्योरमेंट भी, सप्लाई चेन भी आ जाती है, प्रोडक्शन भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, वेयर हाउस सब आ जाते हैं, और फिर उसके अंदर आपके सप्लायर्स भी आ जाते हैं और सप्लायर से पीछे क्रॉप भी आ जाती है। मतलब पूरा जो सप्लाई चेन का सिस्टम है कि सोर्सिंग जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रही है, पैदा हो रही है, क्रॉप उसकी बन रही है, जो भी उसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट है वहाँ से लेके आपके एंड यूज़र तक का जो सिस्टम है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। जबकि हैसप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो हैसप सिर्फ आपके किचन तक महदूद था, और अगर आपका प्लांट फैक्ट्री है जहाँ पे फूड बन रहा है तो हैसप सिर्फ उसका जो प्रोडक्शन का एरिया होता था उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता था, उससे बाहर हैसप का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जबकि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम है, जैसे कि दूसरे सिस्टम्स होते हैं जैसे ISO 9001 है, ISO 14000 है एनवायरमेंट रिलेटेड, या और भी जो सिस्टम इंडस्ट्री में वैलिड है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है जो पूरी इंडस्ट्री को कवर करता है, और उसके साथ उसके जो बैकएंड के प्रोसेस हैं जैसे सप्लायर्स के, और ऑनवर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन और अदर रिटेलर और फिर एंड यूज़र तक के, वो सारे कवर होते हैं। तो इंशाल्लाह हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आगे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे, और प्लस अकॉर्डिंग टू पॉलिसी इसके जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, और उस पॉलिसी के वो टॉपिक को ट्रांसक्रिप्ट के सूरत में नीचे लिंक भी कर देंगे, ताकि वो लोग जो इसको स्टडी करना चाहते हैं या एक फाइल बना के रखना चाहते हैं, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो इसको चेक कर सकें, देख सकें, तो वो भी अवेलेबल होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।